Hey guys, you most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir and we are back with another video lecture. तो जैसा आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 27 स्टार्ट किया था आपका जो कि स्पेशल प्रोडक्ट्स, इसमें हमने आपका एक्सरसाइज 27A, 27B बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म किया और आज ये वीडियो लेक्चर आपका 27C पर होने वाला है। आपको पता है कि हम लोग शांत पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व करवाते हैं और ICSE बोर्ड, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप मुंबई में हो, चाहे आप गुजरात में हो, चाहे आप वाराणसी में हो, कहीं पर भी हो, अगर आप ICSE बोर्ड में हैं तो आपको एक ही बुक पढ़ना है और वो है किसका, शांत का, और उसी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाते हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ। अगर आप नए हैं तो वीडियो को देखें लेकिन स्किप ना करिएगा, है ना। तो एक्सरसाइज 27 27B अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ आप जाइए और वहाँ जाकर के हमारा प्लेलिस्ट है क्लास 7th ICSE मैथमेटिक्स का, वहाँ जाकर के आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और क्लास 8th का भी प्लेलिस्ट है तो आप वहाँ जाकर के भी सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। तो चलिए 27C को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन दिया है x प्लस 4 x माइनस 4, क्वेश्चन दिया है b माइनस 9 b प्लस 9। तो यहाँ पर आपको केवल एक बात याद रखना है, केवल एक बात, वो क्या है, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, इसको बोलते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस आपको पूरे एक्सरसाइज में यही काम करना है, यानी कि देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी है, आ रही बात समझ में। लेफ्ट वाले को पूरा ए मानना है, राइट वाले को बी मानना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्स को मान लेते हैं ए, वाई को मान लेते हैं बी, यानी फोर को क्या मान लेते हैं बी, हम देख लेते हैं x प्लस 4 और x माइनस 4 क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16। तो आपका आंसर कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 16 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, b माइनस 9 b प्लस 9, कन्फ्यूज नहीं होना यार, मैं 2 प्लस 2 इंटू 3 लिखूँ या 3 इंटू 2 लिखूँ, आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मैंने किसको मान लिया, b को मैंने a मान लिया और 9 को क्या मान लिया, b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। यहाँ पर किसका कर दिया था हमने, 4 का स्क्वायर, यहाँ 9 का स्क्वायर, तो आपको पता है बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, किसी के सर पे दो बार कोई चीज़ आ गई, इसका मतलब है 9 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब 9 इंटू 2 नहीं, 9 इंटू 9, अगर ये ऊपर क्यूब होता है यानी कि पावर 3 होता तो क्या करते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9 करते हैं। ठीक, तो कितनी बार करेंगे, 2 टाइम्स, तो 9 9 81, तो आपका आंसर कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस 81। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है a प्लस बी ए माइनस बी, 12 को मान लेते हैं a, बी वाई को मान लेते हैं बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस वाई स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझिएगा, अब ये मत कर दीजिएगा कि मैं y प्लस 12 और y माइनस 12 कर दूँगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, जैसे दिया आप उसको एकदम वैसे ही लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर है 7a और 9b, तो मैं 7a को क्या मान लूँगा, a मान लूँगा, और 9b को मैं क्या मान लूँगा, b मान लूँगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब होता है होल स्क्वायर, है ना, दो डिजिट है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, a का स्क्वायर होता है 49a स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81 और b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 49 ए स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर। यहाँ पर 8 को मान लेंगे a और 9n को क्या मान लेंगे b, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 9n का स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, 8 8 64 माइनस 9 9 81 एन स्क्वायर। लेकिन ये किस केस में होगा बंधु, ये केवल उस केस में होगा जब एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी दिया हो और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी दिया होगा तब। ठीक, फिर देखिए ये है, इसको a मानते हैं, इस पूरे को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, 10 को क्या मान लेंगे, b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो क्या बन गया, अब देखिए यहाँ ए बी का होल स्क्वायर, तो ए बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 100। कैसे आया है, क्योंकि दो अलग अलग डिजिट है,
क्या है सर, ये आपका वेरिएबल है ना, दो अलग अलग है, तुम क्या कर लेंगे, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 100। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम चीज़ है, तो क्या कर लेंगे। अब देखिए हम ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे स्क्वायर पहले से दिया हुआ है। नहीं, इस एक्स स्क्वायर को हमें क्या मानना है, एक्स स्क्वायर को ये मान लेंगे, वाई स्क्वायर को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि जब किसी के पावर में पावर होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या मानेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आंसर, एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कन्फ्यूज मत हो, यहाँ पर दिया है 2/5 AB माइनस सी, तो 2/5 AB को मैं क्या मानूंगा, ए मान लूंगा, और सी को क्या मान लूंगा, बी। फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 2/5 AB का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है, सी, तो हम क्या कर लेंगे, सी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, 4/25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसी तरीके से मैंने सॉल्व किया ना, कि 2/5 AB के होल स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, तो जब कर लेंगे हमारा तो क्या हो जाएगा, 2/5, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, और c स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, तो उसका आंसर c स्क्वायर। यहाँ पर हमारा जो 2/b है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, और जो 5/c इसको मान लेंगे b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या, 2/b, तो 2/b का होल स्क्वायर माइनस 5/c का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जै 4 बी स्क्वायर माइनस 5 5 जै 25 सी स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, 4/b² माइनस 25/c². तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 27C का क्वेश्चन नंबर 1 का ये पूरे 9 क्वेश्चन थे जो कि हमने सॉल्व किया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एक चीज़ जानिए, आप हमारे प्लेलिस्ट को जाकर के चेक करिए, हम इसी तरीके से चीज़ों को ऐसे तरीके से बताते हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता देते हैं। सो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 2nd नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें भी कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट्स, यानी कि इसमें भी क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। वहाँ पर कितने डिजिट थे, 2 थे, यहाँ पर कितना है, 3 है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसको भूल जाइए, अभी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक, और एक ब्रैकेट में क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा। अब देखिए हमारा वही फॉर्म आ गया कि नहीं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 1, क्या हो जाएगा, ए रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 1। ठीक, नेक्स्ट, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसको भूल जाइए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। फिर क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ये सेम हो गया कि नहीं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए रेस्ट टू द पावर 4 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 4, तो यही आपका क्या हो जाएगा मित्र, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, यानी 2 ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर ले रहे हैं, तीसरे वाले को भी उसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, 2 को सॉल्व कर लेंगे तो तीसरा वाला फिर फॉर्मूला बन जाएगा, उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, कैसे किया हमने, तो देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, एक्स स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x². अब देखिए एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, सेम टर्म आ गया, तो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करके, एक्स के पावर 4, क्या हो जाएगा,
एक्स के पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 4। तो आंसर आपका क्या आ गया, एक्स के पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स के पावर 4। क्लियर है, यानी एक्स के पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 4। लास्ट क्वेश्चन ध्यान समझिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और इसको एज इट इज लिख देंगे, एक्स रेस्ट टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 6। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा एक्स के पावर 3 इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 6। अब क्या हो गया सर, यहाँ वहाँ सेम, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आंसर क्या निकल करके आ गया आपका, आंसर निकल करके आ गया एक्स के पावर 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो एक्स के पावर 12 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 12, और यही आपका क्या हो गया सर, यही आपका आंसर हो गया। तो पहले में क्या करना था, प्रोडक्ट फाइंड करना था, हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। दूसरे में भी क्या करना था, प्रोडक्ट फाइंड करना था, तो दूसरे को भी हमने उसी तरीके से सॉल्व किया और आपका प्रोडक्ट फाइंड हो गया। यही आपका स्पेशल प्रोडक्ट, और आपको भी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सो लिटरली इट इज़ नॉट टू मच टफ, है ना, ईजी है और इजिली इसको हम सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जाम हो या फिर आप घर पे भी बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको एकदम आराम आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं, अदरवाइज आप क्या करोगे, गलत कर दोगे। और अगर आप ये कंसेप्ट समझ जाते हो एक बार, तो कंसेप्ट समझ करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से कर लोगे। मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपकी वजह से मेरा काफ़ी हेल्प हो जाता है, लेकिन हेल्प हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन को देख करके छापो, नहीं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले खुद से समझना और समझ करके करना है, ठीक है। और अगर मेरे वीडियो लेक्चर से आपको हेल्प हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो मन से पढ़ाई करते रहिए। चलिए इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन 3 कह रहा है, यूजिंग द आइडेंटिटी फॉर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी कि उस आइडेंटिटी का यूज करना है जो दो स्क्वायर के डिफरेंस को बता दे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, और उसका वैल्यू फाइंड करना है। अब आप कहोगे कि सर अभी तक तो हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे थे, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी था, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे थे। अब यहाँ पर तो आगे 18 × 22 कैसे सॉल्व होगा, समझिए। अगर मैं बात करूँ राउंड फिगर में, तो 18 के बाद क्या आता है, कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में जीरो आता है, तो आप कहेंगे कि सर 20 आता है। क्या आता है, 20। अब 20 में से कितना माइनस करने पर 18 आएगा, तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल 2 माइनस करने पर आएगा। और मैं आपसे पूछूं कि 20 में कितना ऐड करने पर 22 आएगा, तो आप कहोगे सर 2 ऐड करने पर। तो बन गया कि नहीं, ए माइनस बी और ए प्लस बी बन गया। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस बी का, यानी कि 4 का स्क्वायर के बाद 16, और 400 में से 16 जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 384। क्या आ जाएगा, 384। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और 4 में से 1 गया 3। तो क्या कर दिया मैंने, उस नंबर को देखेंगे जिसमें से हम माइनस करने पर 18 आ जाए और ऐड करने पर 22 आ जाए। तो राउंड फिगर में क्या है, 20 है। अब बात करें 71, तो इसका कौन सा ऐसा डिजिट है जिसके लास्ट में जीरो आता है, सबसे पास वाला, तो आप कहोगे कि सर 70 में अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो 71 हो जाएगा, और 70 में ही अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो 69 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 70 का स्क्वायर कितना होता है, 7 × 7 = 49, तो ये हो जाएगा 4900 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, और आंसर क्या हो जाएगा, 4899। आंसर क्या आ गया, 4899, ठीक। तो क्या कर देना था, 70 का स्क्वायर यानी 7 × 7 = 49 होता है, 2 जीरो लगा देंगे 4900, माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4899। क्लियर, 10 में से 1 गया 9, 9 का एज इट इज 9, यहाँ पर बचा 8, तो यहाँ 8 हो गया और 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 और 99, बहुत सिंपल, क्या करेंगे, अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, 100 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 लिख करके 4 टाइम्स 0 माइनस 1। देखिए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, 10 है, 10 का स्क्वायर करना है, तो 2 है ना ऊपर, तो हम क्या करेंगे, कितना 0 है, 1 0, तो इसका डबल कर देंगे,
तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। अब मान लीजिए अगर आपसे कह दे कि भैया 100 का स्क्वायर बताओ, तो यहाँ पर 2 है 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 लिख करके 4 0। अब आपसे बोले भैया 10,000 का स्क्वायर बताओ, तो 10,000 जो है आपका कितने 0 है 4, इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 लिख करके 8 टाइम्स 0 उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 9 9 9 9, तो आपका आंसर कितना आ गया 9,999। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 और 47, कितना कर दें भैया बताइए। आप कहेंगे कि सर आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के 50+3 कर दीजिए और यहाँ पर 50-3 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 50² - 3² तो 5 5 = 25, और मैंने बोला 1 0 है तो 2 0 कर देंगे, तो 2500 - 3 3 = 9। अब 2500 में से 9 को माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2491। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ देखिए पहले से स्क्वायर दिया, a² - b² पहले से दिया, तो अब क्या कर लेंगे, पहले से अगर दे दिया तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके क्या लिखेंगे, अब इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे a² - b² दिया तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, सॉल्व कर लीजिए 6 6 12 और 8+7 यानी 8 8 कितना हो जाएगा 16 162, मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाई कर लेंगे 86 में 76 जाएगा तो कितना आ गया सर आ गया 10, तो 162 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1620। यानी जब ऑलरेडी दिया हो आपको एक a² - b² तो सॉल्व करेंगे तो a+b a - b उसको सॉल्व करेंगे तो होगा 162, ये हो जाएगा 10 और आंसर आ जाएगा 620। यहाँ भी वही करना है तो अब क्या करेंगे, तो a² - b² यानी कि एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 203 में 197 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 203 में 97 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 4 = 24, तो आंसर कितना का 2400। बहुत सिंपल है ना, ये हो जाएगा 121 + 119 121 - 119, सॉल्व कर लीजिए 121 में 119 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 240 मल्टीप्लाई 121 में 119 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 24 2 कितना होता है 48 यानी कि 480 आपका क्या आ गया आंसर। फिर है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, वो है आपका 169 का स्क्वायर - 139 का स्क्वायर, तो 169 + 131 और 169 - 131 सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 169 को अगर 131 से माइनस करें तो 9 - 1 हो जाएगा 8 और 6 - 3 हो जाएगा 3, आ गया 38 है ना। अब 300 का मल्टीप्लाई 38 से करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 0, 8 3 = 24 carry 2 3 3 = 9 + 2 = 11, तो ये आ गया 11,400। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 3 भी मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा क्योंकि टफ बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ हमारे लिए तब तक टफ रहता है जब तक कि हम उसको सॉल्व नहीं कर लेते हैं या फिर हम उससे पार नहीं पा लेते हैं। सारी बात सुन में जीवन में कठिनाइयाँ कुछ भी नहीं होती सर, बस क्या है उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना होता है, और सॉल्यूशन अगर निकल गया तो फिर कठिनाइयों का क्या ही औकात है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, चलिए इसको इरेज करते हैं और 4th क्वेश्चन में सॉल्व करके बताएं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा छोटा सा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, देखिए यहाँ पर क्या 18 और 22 जब मैंने किया तो आ गया 20 - 2 20 + 2, तो यहाँ मैंने गलती से क्या कर दिया है 4 कर दिया है, यहाँ 4 नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 20 - 2 तो 20² - 2² अब 400 - कितना आ गया 4, 400 - क्या आ गया 4, अब 400 में से 4 जाएगा तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 396, कितना आ जाएगा 396। कंफ्यूज मत होइएगा ना, गलत नहीं हुआ, अगर यहाँ पर हमारा क्या होता 4 होता तो हमारा आंसर सही हो जाता, बट यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2 ही आएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए 4th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप कहेंगे सर आप एक ही बात हमेशा बोलते हैं बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी, जी हाँ बहुत इजी है ना, लिटरली बहुत इजी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है यदि, यानी इफ, ये क्वेश्चन दिया है 13x = 58² - 45² सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि 24x = 99² - 87² कोई दिक्कत नहीं फाइंड कर लेते हैं। 13x के साथ कोई छेड़छाड़ मत करिए एज इट इज लिख दीजिए a² - b² तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a+b,
दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सर? दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 13x इज इक्वल्स टू 58 प्लस 45 कितना हो जाएगा? तो 8 प्लस 5 होता है 13, 5 प्लस होता है 4, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 103। और यहाँ कितना हो गया 58 माइनस 45 की अगर हम बात कर लें तो ये कितना हो जाएगा? तो 58 माइनस 45 आपका हो जाएगा टोटल 8 माइनस 5 3, और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 13। तो अब क्या कर देना है, 103 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 13 से कर देंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, क्योंकि ये किस में है सर? मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो डिवीज़न हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 103 इंटू 13 अपॉन 13, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन में होता है साइड चेंज करने के बाद मल्टीवाइड में हो जाता है, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 103, यानी कि 103। क्या कर दिए हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए हैं, जो वैल्यू है फिर क्या किए, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना है तो 13 किसमें? मल्टीप्लिकेशन में है, अंदर साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवीजन हो जाएगा, और 13 से 13 कट हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 103। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, ये आपका 24x। अब क्या करेंगे, 24x को एज इट इज लिख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी कर लीजिए। 24x को एज इट इज़ लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? 99 प्लस 87 कर देंगे तो ये हो गया 186 मल्टीप्लाई 99 में 87 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 12। अब x इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 186 इंटू 12 अपॉन में क्या आ जाएगा? 24। 12 टू जा 24, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 93। यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर वही फार्मूला लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉल्व कर दिए तो 186 इंटू 12 आ गया। फिर 24 को हम इधर लेकर के गए तो 24 12 से कट गया 2 टाइम्स, फिर 2 से 186 कट गया 93 टाइम्स, तो आपका आंसर कितना आ गया? 93। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। टफ था? नहीं ना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आपका सॉल्व हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा है आपके इस पूरे एक्सरसाइज का और पूरे चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। फिर ये वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपका ये पूरा चैप्टर भी यहीं पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर नया चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसमें प्लेलिस्ट है, आप जाकर के हमारे सारे वीडियोज़ को देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए, लेकिन लाइक से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको समझ में आना। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए। चलिए इसको इरेज करते हैं और लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करके बता देते हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद ये वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे। क्वेश्चन है आपका 297 इंटू 297 माइनस 203 इंटू 203 अपॉन 94। 23.71 इंटू 23.71 माइनस 16.29 इंटू 16.29 अपॉन 0.742। सॉल्व करते हैं, इसे हम बोल सकते हैं क्या ए स्क्वायर, इसे बोल सकते हैं बी स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जैसे मान लीजिए अगर आता है 2 इंटू 2 तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से 297 इंटू 297 तो हम क्या कर लेंगे? इसका स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 297 का स्क्वायर माइनस 203 का स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन गया, अपॉन 94। अब सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि 297 प्लस 203, और एक ब्रैकेट में 297 माइनस 203 होल अपॉन कितना हो गया? 94। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 297 को 203 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 297 में से 203 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 94। नीचे भी है 94, काटा पीटी खून खराबा आपका आंसर कितना आ गया? तो आपका आंसर आ गया 500। क्या कर दिया मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी ऐड कर दिया तो 500 आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 94 आ गया, 94 ऊपर 94 नीचे कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ गया? 500। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? 23.71 का होल स्क्वायर माइनस 16.29 का होल स्क्वायर अपॉन 0.742। अब इसको करेंगे ऐड तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 23.71 प्लस 16.29, ये हो जाएगा 23.71 माइनस 16.29 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 0.742। ऐड करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 23.7 कर लेते हैं ना, 7 प्लस 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 10। 7 प्लस 2 9 प्लस 1 हो गया 10, पॉइंट लगा लिया
थ्री प्लस सिक्स नाइन प्लस वन टेन और टू प्लस वन थ्री यानी कि फोर। तो 40.00 को मैं 440 लिख ले रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई इधर क्या आ गया, तो 11 में से 9 गया तो आ गया 2, फिर यहाँ बचा आपका 6 और 6 में से 2 गया तो कितना आ गया 4, पॉइंट लगा देंगे। 3 में से 6 गया तो हमारा ये 23 में से 16 गया हमारा तो कितना आ गया, ये आ गया 7.42 अपॉन कितना आ गया 0.742। अब आपको तो ये चीज़ पता ही होगा कि 0.742 से अगर 7.42 को कट करें तो कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 40 × 10 और 40 × 10 इज इक्वल टू क्या आ गया 400 आपका आ गया आंसर, क्लियर है। चलिए तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, यानी कि आज इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो चैप्टर 27 था ये पूरा ख़त्म हो गया और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। चैप्टर 27 देखिए बहुत इजी था, है ना, या फिर हम बात कर लें कि आपका मैथमेटिक्स बहुत इजी है। मुझसे अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरा मैथमेटिक्स वीक है तो मुझे समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों कहता है कि मैथमेटिक्स वीक है, क्योंकि वीक होने जैसा मैथमेटिक्स में कुछ है नहीं, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और जो क्लास 6th, 7th, 8th का मैथमेटिक्स होता है वो आपका बेस है, और अगर आपका बेस स्ट्रांग हो गया तो आगे बहुत अच्छा कर लेंगे, और अगर यही स्ट्रांग नहीं हुआ तो समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, समझ में आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी नए तरीके से सीखने का मौका मिल पाए और उनका भी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाए। तो फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही नए वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।